Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to being Shakti. Thank you so much. Last time मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ तो किसी को accept कर लो या उसे छोड़ के आप चले जाओ. Right. ठीक है. लेकिन छोड़ के चले जाने पर एक और चीज मुझे दिखी. Never leave a true relation for few faults. Nobody is perfect. And at the end, affection is always greater than perfection. Affection is greater than perfection. लेकिन हमने आज priority change कर दी है. हम सारा दिन perfection ढूंढ रहे हैं. चाहे लोगों में perfection, चाहे situations में perfection, चाहे काम किस तरह किया जाए उसमें perfection. एंड वो परफेक्शन ठीक है, हमें अपना बेस्ट करना था, लेकिन वो परफेक्शन ढूंढने के प्रोसेस में हम अपनी अफेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी परफेक्शन की स्थिति से हिल जाते हैं. वी शिफ्ट ना, वी वर परफेक्ट, वी नीड टू कम बैक टू परफेक्शन. लेकिन औरों को परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में या औरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने के प्रोसेस में हम अपनी परफेक्शन से कितना दूर होते जाएंगे. एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने अफेक्शन, प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती जा रही है. तो थोड़ी सी इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना पड़ता है. दीज आर इक्वेशंस ऑफ वे ऑफ लिविंग. ये इक्वेशन ऑपोजिट हो गई तो जीवन की क्वालिटी ऑपोजिट हो गई. आज हमारी इक्वेशन होनी चाहिए थी कि मेरे मन की स्थिति, लोगों के मन की स्थिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. फिर इसके बाद जो काम हम कर रहे हैं तो प्रायोरिटी वो होनी थी. आज हमने कहा काम परफेक्ट होना चाहिए. हम डिस्टर्ब हुए तो कोई बात नहीं, सामने वाला डिस्टर्ब हुआ तो कोई बात नहीं, काम तो परफेक्ट होना चाहिए था ना. तो काम को ऊपर प्रायोरिटी दे दी. रिजल्ट ओरिएंटेड बट रिजल्ट ऑफ वॉट? Result of the work that we were doing, not result of the people involved in the work. आज अगर हम देखें, चाहे offices हैं, चाहे घर में staff से आपने कहा, चाहे बच्चों से, काम हो जाए, चीज़ें हो जाएँ, सब सही हो जाए, उसके process में मेरे मन की स्थिति disturb हो जाए, सामने वाले के मन की स्थिति disturb हो जाए, कोई बात नहीं. क्योंकि priority was काम हो जाए. Equation उस direction में चली गई. आज काम हो गए, अचीव कर लिया इतना कुछ, प्रोग्रेस इतनी सारी कर ली, लेकिन प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट? ये प्रोग्रेस एक बहुत बड़ी कीमत लेके आई है अपने साथ. बिकॉज इस प्रोग्रेस को करते समय हमने अपनी स्थिति को और सामने वाले की स्थिति को प्रायोरिटी नहीं रखा कि हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, इट डजेंट मैटर. आई विल शाउट, यू विल गेट हर्ट, इट डजेंट मैटर. वर्क शुड गेट डन. काम हो जाना चाहिए. मैंने गुस्सा किया तो क्या हुआ? आप हर्ट हुए तो क्या हुआ? आपको हर्ट होना इज़ फाइन, आपकी गलती थी और आपने गलती की तो मेरा गुस्सा करना नेचुरल था. ये सब इक्वेशंस बना के प्रोग्रेस अचीव की, बट इट हैज़ कम एट अ वेरी बिग कॉस्ट. वी लॉस्ट आवर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जस्ट टू अचीव दिस प्रोग्रेस. बट यहाँ परफेक्शन में जो चाहते हैं हमें किसी व्यक्ति के अंदर परफेक्शन, हाँ, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, तो वो परफेक्शन एक्चुअली मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा हूँ कि एम आई परफेक्ट. वो इसलिए हम अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने सोचा मेरा मन परफेक्ट रहे, मेरा मन परफेक्ट रहे, मतलब मेरा मन नॉन अनडिस्टर्ब्ड रहे, डिस्टर्ब ना, मतलब स्टेबल रहे, परफेक्ट रहे. वो तो तभी होगा ना जब सब मेरे अनुसार सही चलेगा. ओके, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. बट दैट्स नॉट ट्रू. But that's not possible. But that's also, not true also. क्योंकि मुझे हर एक को लगेगा ही नहीं कि मेरे अनुसार चल रहे हैं. And most important, मेरे मन की स्थिति उन पर dependent है ही नहीं. It's not true. क्यों? क्योंकि मेरे मन की स्थिति तो मेरे ऊपर dependent है. कमाल कर रहे हैं. क्यों? मैं आपसे बात करते करते उठ के चला जाऊँ. हाँ. तो बोलेंगे ये शूटिंग छोड़ के कहाँ चले गए. हाँ, तो मैं बोलूंगी ये शूटिंग छोड़ के चले गए, कोई बात थी? Finished. It's not so simple in life. It's more simple. मैं बोलूँगा ये professionalism है, कोई तरीका है, कुछ बोल के दब जाओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उठ के चले गए बैठे बैठे. What's happening here?
ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है ना. दिस इज नेचुरल व्हाट आई एम टॉकिंग. एनीबॉडी वुड डू दिस. नेचुरल फॉर मी व्हाट आई एम टॉकिंग. नो बट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस टू व्हाट सेकंड ऑप्शन वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ. आप भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, अब भी. ये भी नहीं कि 10 दिन बाद या साल बाद. कैसे चूज करें कि अब नेक्स्ट टाइम जब कोई गलती करेगा या कोई एकदम से उठ के चला जाएगा या कोई अनप्रोफेशनल बिहेव करेगा, आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट विद कामनेस, पीस, फाइंड आउट क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, एंड उनको डायरेक्शन कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है. मेरे मन की स्थिति उनके चॉइस से नहीं, मेरी चॉइस से चलती है. उनको परफेक्ट बनाने में, उनके अंदर परफेक्शन ढूंढने में, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ढूंढने में, ये सब कुछ करने में मैं हिल जाऊं तो देन इट्स नॉट वर्थ इट. हाँ, मैं स्थित होकर फिर उसको ढूंढूं और करवाऊं, दैट्स द वे टू डू इट. ये भी नहीं है कि फिर मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं तो कोई काम करे नहीं करे, ठीक करे नहीं करे, आई विल नॉट से एनीथिंग. दैट्स ऑल्सो नॉट द वे. इसीलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ साथ साथ. प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी पे स्थित नहीं है, उसमें भी मज़ा नहीं है. सारा दिन सिर्फ कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, पीसफुल रहेंगे, लेकिन कर्म में नहीं आएंगे, उसका भी मज़ा नहीं है. डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फिर आप दुनिया से कि भाई गजा जो होए होए, कोई गलत कर रहा है करे, ऐसे थोड़ी होना है. आपने जो बोला अभी कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना है. हाँ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाना है. हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है मतलब उस तरह से जीना है, वही जीवन जीने का तरीका बनेगा. अभी डिफरेंट क्यों करा? तो सिंपल टर्म में, जिससे इफ आई एम राइट, आप बताइए कि पहले मैं ये सोचूं कि ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, बोथ आर डूइंग देयर रोल्स, प्लेइंग देयर रोल्स, राइट. तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, एंड फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मैं आत्मा अपनी स्थिति को भी परफेक्ट रखूं. ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर मेरी स्थिति से मैं औरों की स्थिति को भी ठीक रखूं, ये मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर हम दोनों मिलके परिस्थिति को ठीक करें, ये हमारी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी नाइस. रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी शुड बी सेट, सेल्फ, पीपल एंड देन वर्क. आज प्रायोरिटी क्या हो गई? वर्क, फिर पीपल, फिर सेल्फ. ऑर्डर चेंज हो गया. नहीं, वर्क फिर पीपल है. वर्क 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 then people, then तो वो work 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 में इतना comes. Yes. So, जितना हम stability में स्थित रहेंगे, हमारी vibration से काम होते हैं. हमारी vibration सिर्फ लोगों पे नहीं, प्रकृति पर, जड़ चीजों पर, हर situation पर असर डालती है. Disturbed vibration से जब हम काम करते हैं तो काम पे भी उसका असर पड़ता है. जो काम में एक स्मूथनेस होनी चाहिए खत्म होती है. हम एक मेहनत करके काम करते हैं, जिसके लिए परमात्मा कई बार हमें लाइन सुनाते हैं कि मोहब्बत में अगर रहोगे, लव योर सेल्फ एंड लव गॉड, अगर मोहब्बत में रहकर करोगे तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलेगी. आज मेहनत ज़्यादा, सफलता कम. बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सफलता प्राप्त करने के लिए आज, क्योंकि वी आर नॉट अलाइंड विद द सेल्फ. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए. सेल्फ का ध्यान रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का ध्यान रखना मेरी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर मिलकर हम काम का ध्यान रखेंगे तो हम रियली कलयुग से सत्ययुग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. इट विल शिफ्ट एंड वी कैन ऑल डू इट. और इसीलिए जैसे उसने कहा, अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन परफेक्शन. ब्यूटीफुल ना? वेरी नाइस ना. भाई छोटी छोटी लाइन्स होती है. हाँ, और छोटी छोटी बातों के लिए एक रिश्ता खराब करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से रिश्ता खराब करना, अपने आप के साथ रिश्ता. ये छोटी बात बुरी लगती क्यों है? कौन सी छोटी बात बुरी? किसी की भी कोई छोटी बात हम उसको एक्सेप्ट कर क्यों नहीं कर लेते? ऐसा ही है, जैसे देखिए अभी यहाँ कितने
चिड़िया में सोच रहा था बैठ के, एक बोलती जा रही है, एक कौवा बोलता जा रहा है, एक सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं, और एक शांत ये जो वाइट क्रेन्स हैं इधर, बगुला टाइप जो भी कहते हैं इनको, आराम से बैठ के अपनी शूटिंग देखते हैं, चले जाते हैं, वॉक करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, क्वाइट. सबके कितने अलग अलग नेचर्स हैं. राइट. और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि अच्छा है या बुरा है, एक बार भी. मैंने ये नहीं बोला दिस वर्ड इज बैड और दिस वर्ड वाई की करती रहती है. एक्सेप्टेंस की हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे जब थॉट ही नहीं आएगा. बट ऐसा क्यों नहीं होता है इंसानों के साथ? वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ, वो भी हो जाएगा. हमारी ओरिजिनलिटी तो वही है कि इंसानों के साथ भी हम ऐसे ही होंगे. ये बुरा है, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये खराब है, ये ऐसा. नो, जैसे ही हमने इस रास्ते शुरू किया ना चलना, वंस वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस रोड, वी विल रीच दिस स्टेज व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. लास्ट टाइम कि आपके 2-3 होमवर्क मैंने किए, उसके बाद मैं गोल्फ खेलने गया, तो एक अमेरिका से कोई ऐसे गेस्ट आया था, तो बोला कैन आई जॉइन यू ऑल. ही गिव मी सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट. ही सेड, मैं सोच के हैरान हूँ कि आपका बॉल जब पानी में गया आप चिड़े नहीं, आपके शॉट्स रॉन्ग लगे आप चिड़े नहीं, आपने पट मिस किया छोटा सा, यहाँ से छोटा, आप चिड़े नहीं. आई सेड, ही सेड, हाउ कैन यू डू दैट? सी, और पहले कभी चिढ़ते थे इन चीजों पर? लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं ऐसा नहीं किया. नहीं, लेकिन पहले कभी चिढ़ते थे? बॉल जाता तो मैं आधा घंटा, अगला होल भी खराब होता था मेरा. दिस इज, मैं अपने कैडी को डांटता था तूने रॉन्ग क्लब दे दिया. अब पता नहीं चला ना ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ. नहीं, बट आफ्टर दिस मैन टोल्ड मी कि मैंने ये बिहेव ऐसा नहीं किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, मैं ये पाथ पे जो चलने का सोच के आया था, इट वाज नॉट डेलिबरेट. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन डेलिब्रेटली. लेकिन छोटे छोटे पुरुषार्थ जो किए होते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ों में, और रोज़ जब मेडिटेशन किया होता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है. अब वो आत्मा का स्वरूप में आने लग जाता है. अब जब परिस्थिति आएगी, जैसे पहले ही भी डिस्कस हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो ही सेड एंजॉयड प्लेइंग विद यू. सी, विच मीन्स अपनी स्थिति अच्छी तो सामने वाले की स्थिति अच्छी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम अच्छी. क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले जब मैं इरिटेट होता था तो अगला भी जो हिट करना था वो भी खराब हो जाता था. अगला नहीं सिस्टर, बाद में नहाने धोने, कपड़े बदलने, शाम घर तक जाने, घर में जाने के बाद भी इरिटेबल. वो शॉट मैंने इतना खराब खेला, वो इतना मार दिया मैंने, थोड़ा सा कर लेता और तो हो जाता. और उस डिस्टर्ब स्थिति में 50 बॉल लेके मैं उसको प्रैक्टिस करने जाता तो वो भी खराब होता. जब तक स्थिति ठीक नहीं, यहाँ से सब कुछ रेडिएट होकर बाहर जाना है. यहाँ से इट इज लाइक पावर सप्लाई, और फिर इतने सारे अप्लायंसेस जब घर में है, जब पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन है, मेन पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन है. स्किल नहीं बदली, मेरी प्रैक्टिस नहीं बदली, तो वो अप्लायंसेस भी नहीं बदले, टीचर भी नया नहीं आया, गोल्फ क्लब भी नया नहीं आया, लेकिन आपके होमवर्क से. अच्छा, वो सबसे बेस्ट बात आई वांट टू रिपीट अगेन इज व्हाई इज इट दैट आई डिडंट इवन नो अनलेस टिल दिस मैन टोल्ड मी. जैसे पहले हमें नहीं पता चलता था कि हम क्यों इरिटेट होते हैं. Okay. हम कॉन्शियसली इरिटेट नहीं होते थे, इरिटेट हो जाते थे. अब हमें कॉन्शियसली पीसफुल नहीं रहना पड़ेगा, तो नेचुरली पीसफुल हो जाएंगे क्योंकि ग्रूव चेंज हो रहा है. एक बार थोड़ी सी भी अटेंशन रख ली ना ग्रूव बनाने में, उसके बाद हर टाइम थोड़ी अटेंशन रखनी है उस ग्रूव पे जाने के लिए, वो तो नेचुरली चला जाएगा. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने अभी कहा कि वो गिल्ट, फिर वो उस चीज़ के बारे में सोचते ही जाना, क्योंकि हम में से मेजोरिटी आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ऑफिस में ये गेम है, लेकिन जहाँ ऑफिस है, बिजनेस है, बहुत बड़े चीज़ें स्टेक पे हैं, टारगेट्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफिस में है, वो माइंड पे चलता ही जाता है. इट जस्ट गोज ऑन, नहीं मुझे ऐसे नहीं, नहीं उसको ऐसे नहीं, नहीं उसको. आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि वहाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाए, नुकसान भी थोड़ा हो जाए, गेम भी खराब हो जाए, कोई बात नहीं. लेकिन यहाँ जितना ऊपर नीचे हो रहा है अभी, अगर हम जितना अटेंशन इस पर रखते हैं
कि क्यों मेरे से एक वो बॉल गलत चली गई, जैसे आपने कहा क्यों मैंने इतना हिट नहीं किया। जितना अटेंशन इस पर और जितना इस पर सोच रहे हैं, सोचो अपने लिए उतना सोचे तो। क्यों मैंने होमवर्क किया ना अपने लिए सोच के, क्यों हमने उनको क्रिटिसाइज किया, क्यों मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, क्या ये राइट था। अगर हम एक गोल्फ की गेम के लिए इतना सोच सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिट करता तो कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता, अगर मैं थोड़ा सा एक ऐसे सोचता मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता, अब करता हूँ। अब जैसे आपने कहा अगर मैंने गलत हिट किया तो मैं फिर 50 बॉल्स निकाल के फिर प्रैक्टिस करता हूँ। अपने साथ ये करें, मैंने गलत सोचा किसी के लिए, मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, मैं अब 50 क्वालिटीज निकालता हूँ बैठ के उनके अच्छी वाली, फिर सोचता हूँ उनके बारे में, लेट मी प्ले द गेम अगेन। दे हैव टू हैव क्वालिटीज, नो इट कांट हैपन, नोबडी कैन हैव ओनली वीकनेसेस। सो प्ले दिस गेम इनसाइड, ये करने से हम परफेक्शन की तरफ रीच कर जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वो लाइन थी कि यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम एवरीबडी ना, या तो आप उनको एक्सेप्ट करो या उनसे अलग हो जाओ। कितनों से होंगे आज हम चूज करते हैं अलग होना, कितनी शादियां कर लेंगे, कितनों से अलग होंगे, कितने स्टाफ चेंज करेंगे। इन द सेंस कि ये नहीं कि हम बार बार ऑफिस बदल रहे हैं या बार बार स्पाउस बदल रहे हैं, नॉट लाइक दैट, लेकिन हम लोगों से एटीट्यूड कटे कटे हो जाते हैं, एटीट्यूड अपने एक अलग रहने लग जाते हैं। आज हम लोगों से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद करते हैं। आज हम एक्चुअल फ्रेंड से बात करने की बजाय फेसबुक पर या कोई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्ट्रेंजर से चैट करना प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों से दूर हो रहे हैं। इवन फोन कॉल टेक्स सम करेज टू टॉक एंड से हेलो हैप्पी बर्थडे, इट्स सो इजी टू राइट ऑन द दिस थिंग हैप्पी बर्थडे लव यू बाय, ये आप मुंह से नहीं बोल सकते इतनी इजीली, बिकॉज आपको उसकी बातें याद आती हैं। ये हाँ मेरे से ये भाई झगड़ा किया था, ये मेरी बहन ने उस दिन ऐसा बोला था, उसका बर्थडे है, अब मैं फोन उठाऊं और किस मुंह से उसको बोलूं, छोड़ो यार इसका मूड खराब होता है, लिख दो इससे मैसेज कर दो। हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं और हम अपने आप को अलग अलग करते जा रहे हैं। इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम बच रहे हैं, वी थिंक वी प्रोटेक्टिंग आर सेल्व्स, कि लोगों से दूर होने से हमारी प्रोटेक्शन होती है। हम लोगों से दूर दो रीज़न से हो सकते हैं, उनके संस्कार की वजह से, कई बार अपने संस्कार की वजह से भी, कि इनके साथ ना हमेशा मेरा या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, बेटर आई विल जस्ट कीप अवे। तो हम अपने संस्कार की वजह से भी कई बार लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जितना हम लोगों से दूर होंगे हमारी अपनी एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी, इट विल नॉट मूव अनलेस आई कम इनटू इंटरेक्शन विद पीपल। आई इवन इफ आई हेट अदर्स और मायसेल्फ, हेट्रेड तो अंदर से आ ही रही है, हेट्रेड तो अंदर से आ ही रही है, लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शन चूज किया कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं बजाय कि ये ऑप्शन चूज करूं कि मैं अपनी थॉट्स को बदलूं, वी हैड टू चूज दैट ऑप्शन, लेकिन हमने चूज किया कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं। लोगों से दूर होने से, सपोज मैं किसी से दूर हो गई, मेरी हेट की एनर्जी स्टॉप हो गई, ठीक है मेरी स्टॉप हो गई, चलो मेरा बेनिफिट है, लेकिन लोगों से दूर होने से मेरी लव की एनर्जी भी तो स्टॉप हो गई। सही बात, अनलेस आई कम इन इंटरेक्शन। इसीलिए कहते हैं ना रिलेशनशिप्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आने से ही, किसी आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज में आने से ही मेरी एनर्जी क्रिएट होती है और रेडिएट होती है। हमारे सत्संग में मैंने यही सवाल पूछा था आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, तो उनका जवाब आया था कि देखो बदला नहीं लेना, बदल जाना। बदला तो नहीं लेना, बदला मतलब कि टिट फॉर टैट, उसने ऐसा किया अच्छा बात नहीं किया मैं भी नहीं करूं, उसने विश नहीं किया मैं भी नहीं करूं, तुम बदल जाओ। द मोस्ट इंपोर्टेंट, किनारा भी नहीं होना, बदल जाने इन द सेंस अगेन पॉजिटिव में। हां, आज वी शुड नॉट चूज द ऑप्शन कि हम विथड्रॉ हो जाएं उनसे, एक्सेप्टेंस से बदलना। रिलेशनशिप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, आज छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों के साथ खेलने की बजाय टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, एंड इससे सोल पावर पर इफेक्ट आएगा। जैसे हम शरीर का कोई अंग यूज नहीं करते तो उसकी पावर कम हो जाती है,
इसी तरह जब तक हम आत्मा की पावर को रिश्तों में यूज नहीं करेंगे, उसकी पावर कम हो जाएगी। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आया, मेरे घर में बेटे का भी बेटा है, बेटी का भी है, तो दोनों को हम लोग ना एक लॉक चेयर्स में बिठा देते थे और एक एक के सामने आईपैड रख के वो देखते गेम्स खेल खेल के खाते थे। तो फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, दोनों को खोल दिया, बिठा दिया और वो आईपैड, नो गेम्स, नो टेक्नोलॉजी। तो जब हम मैं खिलाने गया तो वो उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है। सी तू खा, अर्जुन खा, विवान खा, वो उसके मुंह में, मैं खिलाऊं तेरे को, खिलाऊं आपस में खिला। What a change. जमीन आसमान का फर्क। This is relationship. And नहीं तो वो क्या कर रहे थे, नहीं तो वो आईपैड पे कोई कार्टून देख रहे थे और खाना दे रहे। दिस इज आवर लाइफ। तो मतलब अगर हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके जी रहे हैं, और यही अगर हम टेक्नोलॉजी को हटा के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आपको दिखा होगा कि उनकी अपनी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। नाच रहे थे, प्लेट में से उठा रहे थे, अपने आप भी खा रहे हैं, एक एक को खिला रहे हैं। The whole circulation will change of feelings. This is so important. अभी इन बच्चों से हमें सीखने को मिलता है ना, पर हमारा भी सीन यही है आज का, कि हम यहाँ अपने साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की बजाय हम कहते ठीक है इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। Having lunch and dinner, sister, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपना ये करते थे, एक रोटी डाली ऐसा ऐसा किया, यहाँ कोई अपने आईपैड खोल के बैठ गया, हमारा नुकसान कर रहा है, अपने कान में कुछ लगा के बैठे हैं, ये हमारा नुकसान कर रहा है। पिकनिक पे भी जाते हैं चारों गाड़ी में, एक अपना अपना फोन पे लगे हुए, कान में दर्द होता है, वाई भी गोइंग टुगेदर। कम्युनिकेट, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। टेक्नोलॉजी रिश्तों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, कि किसी से बात करने की बजाय जाके हम इंटरनेट पे एक घंटा बैठ जाते हैं, मेरे पास एक घंटे का टाइम है। टेक्नोलॉजी विल ओनली टेक अस अवे फ्रॉम आर ओरिजिनलिटी, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस सर्कुलेट नहीं हो रही हैं, विच नीड्स टू हैपन। इफ आई हेट समवन, इवन अगर मैं गुस्से में हूँ, मैं दर्द में हूँ, तो मैंने सोचा चलो उनसे किनारा कर लो, कंप्यूटर के साथ बैठ जाओ, टीवी के साथ बैठ जाओ, लेकिन वो इमोशन यहाँ है, उसको मैंने रिजॉल्व नहीं किया, उसको मैंने रिजॉल्व नहीं किया, उस फीलिंग को चेंज नहीं किया, फिर इंटरेक्शन में नहीं आए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ बैठ गए, तो वो चोट तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो कितने लोनली हो जाएंगे हम लोग, दिस इज व्हाट, कितने लोनली हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति यूज नहीं हो रही है। This is so, so important today, and that's why that line is so beautiful. Either accept them or then live without them. And if I live without them, I will reduce my power. So we are left with only one option. Hamare paas ek hi option. Acceptance. Accept people as they are. Aur choti si perfection ke liye. Haan. Aap affection ko bhi chhod rahe ho aur pyar ko bhi chhod rahe ho. Right. It's not fair. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी खुशी और सेहत को भी छोड़ रहे हो। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस परफेक्शन के प्रोसेस में हमने अपनी सेहत को भी खोया है। हम परफेक्शन बाहर, हमने अपनी सेहत को खोया है उसकी वजह से, क्योंकि एवरी थॉट वॉज अफेक्टिंग एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो फिर इतने टाइट पर्सनैलिटी बन गए हैं हम, नेचुरल सिंप्लिसिटी, फ्लोइंग लव, प्योरिटी, इनसे दूर। मैं तो सोच रहा था सिस्टर कि आई विल नॉट कॉल दिस वर्ड परफेक्शन, आई विल कॉल इट फाइंडिंग फॉल्ट्स सच भी। अगर मैं इसको व्हाट इज परफेक्ट, एक आदमी लेफ्ट हैंड से खाता है, एक राइट हैंड से, एक आदमी चम्मच ऐसे रख देता है, ऐसे तो जैसे बनाया है, इवन व्हेन प्लेइंग क्रिकेट, एक टेक्स्ट बुक शॉट्स मारता है और एक तो सिक्सर मारता ही है विदाउट टेक्स्ट बुक, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, एंड ही मेक्स द मैक्सिमम। कोई नहीं पढ़ के भी बनता है, कोई परफेक्शन नाम का है नहीं एक्चुअली, परफेक्शन का एक हमने बहाना बना लिया। एक्चुअली दूसरे की गलती निकालने की अपनी आदत है वो, और जितना वो करते गए मोस्ट, और आदत पकती जाएगी मेरी, और जितना आदत पकती गई आत्मा की शक्ति कम होती गई, और लोगों से दूर होते जाएंगे, लोगों से तो दूर हो ही जाएंगे, अपने आप से,
अपने आप से दूर हो रहे हैं ना, आपके नजदीक भी कोई आना पसंद नहीं करेगा ना. Yes. चिट 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 बोलेंगे. Nobody calls की, you know, सुरेश शुभ्र loves perfection, is such a nice man, he wants everything perfect. Nobody says that. ऐसे नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा. Right. सब लिए तो खिटखिट करता है. बिल्कुल. तो अब हमें इस चीज को मंत्र बनाना है कि अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन, एंड अफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाना, दैट वी कैन अचीव. आप प्यार से काम करें सबके साथ, तो प्यार में हमें दिखेगा कि जो काम भी हो रहा होगा ना, वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा. एंड अगर थोड़ा सा परफेक्ट नहीं भी होगा ना, हम इतना इन्जॉय करेंगे उस काम करने के तरीके को. हम आज खुशी परफेक्शन में ढूंढ रहे हैं कि जब परफेक्ट होगा तब हम खुश होंगे. खुश होकर अगर परफेक्शन की तरफ चलते, मतलब डूइंग आर बेस्ट की तरफ चलते, तो अगर हम उस परफेक्शन को उस डेफिनेशन तक अचीव भी नहीं करते, एटलीस्ट वी वुड हैव एन्जॉयड द होल प्रोसेस. नो, दैट इज़ द जर्नी ऑफ लाइफ, इन्जॉइंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट बींग हैप्पी आफ्टर इट इज डन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच. एक छोटा मेडिटेशन करते हैं. डेफिनेटली, सिट बैक. पर्पस ऑफ माई लाइफ, प्यार एंड अफेक्शन अपने लिए और मेरे आसपास सब जो हैं उन सब के लिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है. परफेक्शन अपने मन की स्थिति में, परफेक्शन सबके मन की स्थिति के प्रति, दिस इज पर्पस ऑफ माई लाइफ. आज से मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रायोरिटी, मेरे मन की स्थिति, औरों के मन की स्थिति, एंड टुगेदर जो हम काम कर रहे हैं वो परिस्थिति. स्थिति को परफेक्ट करके फिर हम मिलजुल कर परिस्थिति को परफेक्ट करेंगे. दिस इज लव इन एक्शन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी, दिस इज पर्पस ऑफ माई लाइफ. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Never leave a relation because of few faults. No one is perfect. In any relationship or interaction, affection is greater than perfection. When we prioritize perfection over affection, we seek perfection in people, perfection in situations, and perfection in everyone's way of working. When perfection becomes our focus, our affection gets blocked, and we shift from the soul's original state of perfection. While handling any situation, our first responsibility is to take care of our state of being, that is, our emotional state. Second responsibility is to take care of the emotional state of others involved in the situation, and then together we can take charge of the work or situation. If we withdraw from people because of their sanskars or because of our own sanskars, our energy of love, sharing and caring does not flow. The more we adapt and cooperate with others, the more our soul power increases. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999559660. Om Shanti.